खरगोश एक छोटा जिहा बेहद खूबसूरत तेजी नाल वंश की वादा करने वाला जीव। कुदरती सृजी एक अद्भुत कलाकृति ते जानवर पालन वालियां दी पहली पसंद। दुनिया भर विच खरगोशां दियां लगभग 40 नस्लां पाईयां जांदियां हन, जिन्हां विच्चों कुछ जंगली भी हन। छोटियां नस्लां लगभग 1.5 किलो ते वड्डियां 5 किलो तक भारियां हो सकदियां हन। एक समां सी जदों भारत विच खरगोश नूं सिर्फ शौकिया ही पालिया जांदा सी ते साडे कोल सिर्फ कुछ देसी नस्लां ही उपलब्ध सन। जदों तों कुछ विदेशी नस्लां भारत विच आईयां हन, इन्हां ने एक नवी सेध दे दित्ती है खरगोश पालन नूं। भारत विच इस काम की शुरुआत गरसा जिला कुल्लू तो सन 1978 विच हुई, जदों इत्थे अंगोरा ऊन की पैदावार लई एक प्रोजेक्ट लगाया गया। शुरू विच यह काम सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रहा, पर छेती ही मैदानी इलाकों के किसान इस काम नूं अपनाउन लगे। इस थोड़े जिहे समय विच इस काम ने बहुत सारे उतार चढ़ा देखे। कदे उन बहुत महंगी विकी ते कदे इस नूं बाजार विच किसे भावी ना पुछया, ते अनिश्चित मंडीकरण इस काम लई मारू साबित होया। भारत विच इस काम दे विकसित होण लई बहुत सारियां संभावनावां हन, जो कदे भी योग हालात मिलन ते चंगे नतीजे दे सकदियां हन। भारत विच अंगोरा खरगोशां दियां 3 नस्लां पालियां जा रहियां हन। पहली है रशियन अंगोरा, दूसरी ब्रिटिश अंगोरा ते तीसरी है जर्मन अंगोरा। ये 3 नस्लां रंग विच सफेद हन ते वेखण विच इक्को जिहियां लगदियां हन, पर इन्हां नूं ध्यान नाल वेखण विच वक्खो-वक्ख पछाणिया जा सकदा है। जिथों तक पैदावार का तालुक है, एक साल विच रशियन अंगोरा तो 300 तो 400 ग्राम, ब्रिटिश 400 तो 600 ग्राम ते जर्मन नस्ल के खरगोशों तो 700 ग्राम तो लैके 1 किलो तक उनकी प्राप्ति हो जाती है। इन्हां नस्लों के नाम उन्हां मुल्कां ते आधारित हैं जिन्हां विच इह विकसित हुईआं। व्यापारक पद्धर ते खरगोशां दी पालना लई इन्हां नूं पोल्ट्री नुमा शैड बना के पिंजरियां विच रखिया जांदा है, जो जमीन तो 2-2.5 फुट उच्चे स्टैंडां ते रखे जांदे हन। एक खरगोश लई 2 फुट लंबे, 1.5 फुट चौड़े ते 1.25 फुट उच्चे पिंजरे दी लोड़ हुंदी है। चाहे खरगोश की पालना 2 डिग्री तो लैके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जा सकती है, पर 15 तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इन्हां दी पैदावार लई ढुकवां है। इन्हां दा शरीरक तापमान 103 डिग्री फारनहीट हुंदा है। खरगोश एक शाकाहारी प्राणी है, जो दिन समय घट अते रात नूं ज्यादा खांदा है। इस दी खुराक विच नरम किस्म दे हरे चारे जिवें बरसीम,
लूसन, जवी, मक्की, बाजरा, नैपियर, गिनी का ते सब्जियां दे पत्ते याद हो सकते हैं। आओ वेखते हाँ खरगोश नूं किन्नी खुराक दी रोजाना लोड हुंदी है। नर खरगोश जिसका वजन 4 तो 5 किलो है, दाना 175 ग्राम ते हरा चारा 200 ग्राम। मादा खरगोश जिसका वजन 4 तो 5 किलो है, दाना 175 ग्राम ते हरा चारा 200 ग्राम। दुध दिंदियां मादावां दाना 200 ग्राम ते हरा चारा 250 ग्राम। दुधों छुड़ाए बच्चे जिन्हों का वजन 600 तो 700 ग्राम है, दाना 50 ग्राम ते हरा चारा 100 ग्राम देने की सिफारिश की जाती है। PAU के विज्ञानियों अनुसार इन्हां दे वंडदी बनतर इस प्रकार है। कणक या मक्की 40%, राइस पालश या चोकर 20%, मूंगफली की खल 30%, मीट मील 8%, धातां दा चूरा जिसनों असी मिनरल मिक्सचर भी आखते हाँ 1.5%, ते नमक 0.5%। खरगोशां नूं मुर्गियां वांग हर समय पानी की लोड़ हुंदी है। पानी की खपत उस वेले वध जांदी है जदों असीं सुक्की फीड की वरतों कर रहे हाँ। खरगोश आम तौर पर अपने शरीरक वजन का 1/10 हिस्सा पानी पी जाता है। पानी कौलियां अल्मीनियम के ड्रिंकर या सकलिंग सिस्टम राही दिता जा सकता है। खरगोशां नूं किसी ना किसी काम लई पकड़न दी लोड़ बनी रहिंदी है। जेकर इन्हां नूं ध्यान नाल ना पकड़िया जावे ते पकड़न वाले दे हत्थां नूं जख्मी कर सकते हैं। इन्हां नूं हमेशा गर्दन दी ढिल्ली चमड़ी तों पकड़िया जांदा है ते दूजे हत्थ नाल हेठले पासे सहारा दिता जांदा है। खरगोश चाहे ठीक हालातों में 7-8 साल तक जीवंदा रह सकता है, पर इस तों चंगी पैदावार 4 साल तक ही ली जा सकती है। खरगोश 5 तो 7 महीनों की उम्र में जवान हो जाता है। छोटियां नस्लां छेती ते वड्डियां देर नाल जवान हुंदियां हन। इन्हां विच पशुआं वांग कोई हेहा चक्कर नहीं हुंदा। आस करवाउण लई मादा नूं नर दे पिंजरे विच लजाया जांदा है। संभोग समय नर दा एक पासे नूं उलट जाना सफल संभोग दी सही पछाण है। आस होण तों 13वें दिन गर्भ दी परख कर ली जांदी है। गर्भ नूं पेट विच लचकदार गोलियां दी शकल विच महसूस कीता जा सकता है। इन्हां दा गर्भकाल 28 तो 32 दिनों का है। गर्भ के आखिरी हफ्ते विच इन्हां नूं किडलिंग बॉक्स दिते जांदे हन।
ਕਿਡਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਕਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਫੂਸ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਣ ਸਮੇਂ ਮਾਦਾ ਉੱਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 7 ਅਤੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 4-4 ਜਾਂ 5-5 ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਗ ਕੰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਗਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 3.7%, ਫਾਸਫੋਰਸ 1.3% ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ 3.5% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ। ਉੱਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਲੂਈਆਂ।